हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एडसेंस अप्रूवल के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अभी जितनी भी वेबसाइट एडसेंस के लिए जा रही हैं, जितनी भी वेबसाइट एडसेंस पे सबमिट की जा रही हैं अप्रूवल के लिए, उनमें से मैक्सिमम वेबसाइट को पॉलिसी वायोलेशन का एरर देके रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। ओके, तो काफी मुझे सब्सक्राइबर्स का मेल आ रहा था और बाकी और भी कई लोग हैं, तो उनका भी ये कहना था कि ये प्रॉब्लम कुछ ज्यादा हो रही है, फेस करने को मिल रही है एडसेंस अप्रूवल के टाइम। तो देखो, इसका रीजन क्या है, ये क्यों आता है, इसका प्रॉब्लम मतलब ये कैसे सॉल्व होगा, ये पूरा मैं बताऊंगा। और इसमें ये कोई एरर नहीं है, मतलब ये बस आपकी कंटेंट की थोड़ी दिक्कत है। अगर आप कुछ चेंज कर लो अपने कंटेंट में तो आपको इजीली मिल जाएगा। ओके, तो ये चीज मैंने ट्राई भी किया था और मेरा अप्रूवल भी हुआ था, तो उसी बेसिस में मैं पूरा अपना जो एक्सपीरियंस था, कैसे मैंने इस एरर को रिमूव करके, मतलब जो ये मेरा एडसेंस रिजेक्ट हुआ था इसको हटा के अप्रूवल लिया था अपनी साइट पे, वो मैं आपको बताऊंगा। और क्या क्या चीजें मैंने ट्राई किया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो फिर चलते हैं, जानते हैं। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करे हो और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हो ब्लॉगिंग से रिलेटेड या फिर एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, अपने दोस्तों में शेयर करो जितना हो सके, वीडियो को लाइक करो। और भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दो, मैं आपको उस पर वीडियो बनाकर दे दूंगा। ओके, तो बस इतना ध्यान रखो कि सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करो, दोस्तों से करवाओ, अपने रिलेटिव से करवाओ। ओके, तो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, जब भी आप अपनी साइट को सबमिट कर रहे हो तो काफी लोगों की साइट, मतलब उनको अप्रूवल मिल जा रहा है, जिनकी साइट अच्छे से, उस पर कंटेंट है, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, तो उनको अप्रूवल मिल जा रहा है। ये प्रॉब्लम उन लोगों को फेस करनी पड़ जा रही है जिनकी वेबसाइट के कंटेंट नहीं सही है। अब कंटेंट का क्या प्रॉब्लम है, तो देखो होता क्या है कि जब आप गूगल पे अपनी साइट को इंडेक्स करते हो और आपके जब कंटेंट जाते हैं गूगल पे, तो गूगल क्या करता है, पहले आपके कंटेंट को चेक करता है कि जो आप अपने कंटेंट डाल रहे हो वेबसाइट पे वो कैसे कंटेंट है, मतलब वो किस तरह के कंटेंट है, उन पे हमको अप्रूवल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा, जैसा कि आप ये समझ लो। ओके, तो देखो एक चीज एग्जांपल के तौर पे समझो कि अगर आपकी वेबसाइट में ऐसे कंटेंट हैं जो कंटेंट ऑलरेडी गूगल पे बहुत सारे हैं, तो आपको गूगल अप्रूवल क्यों देगा। मान लो जैसे कि मेरा कंटेंट है हाउ टू मेक चॉकलेट केक, अब मैं देख रहा हूं कि यहां पर टोटल रिजल्ट इतने सारे हैं। ओके, उसके बाद अगर मैं इसी कीवर्ड पे फिर से कोई आर्टिकल लिखता हूं और इसी तरह मैं और भी कीवर्ड हाउ टू बटर केक, हाउ टू मेक बटर केक, हाउ टू मेक स्ट्रॉबेरी केक, जिनपे ऑलरेडी सभी सेफ ने या सभी वेबसाइट्स ने अपने आर्टिकल्स को कवर कर रखा है, उसी पे मैं अगर आर्टिकल लिखता हूं तो मुझे गूगल क्यों अप्रूवल देगा, मुझे एडसेंस क्यों अप्रूवल देगा। वो बिल्कुल ही अप्रूवल नहीं देगा, क्योंकि गूगल का मतलब एडसेंस का ये कहना है कि आप जो भी कंटेंट पब्लिश कर रहे हो अपनी वेबसाइट पे वो यूनिक होने चाहिए। यूनिक मींस, अब जैसे कि कुकिंग के लिए तो बहुत कुछ होता है, अब जैसे आपने आलू पराठा, पनीर पराठा, मेथी पराठा सब कुछ सुना है, मूली पराठा भी बहुत लोगों ने सुना होगा, बट आप देख सकते हो कि गूगल पे लोग सर्च कर रहे हैं हाउ टू मेक मूली पराठा, रिजल्ट भी बहुत कम है। अब अगर आप मूली पराठा के बारे में रेसिपी शेयर करोगे तो गूगल को लगेगा कि हाँ ये बंदा क्या कर रहा है, अपनी साइट पे कुछ ऐसे ही कंटेंट पब्लिश कर रहा है जो थोड़े यूनिक है। जैसे आपने यहाँ पर पेस्ट किया हाउ टू मेक मूली पराठा, हाउ टू मेक मूली क्या बोलते हैं मूली पकौड़ा, ठीक है, हाउ टू मेक मूली अचार, इसी तरह मतलब ऐसे कुछ पोस्ट, ठीक है, या फिर ऐसी कोई रेसिपी जिसकी बहुत कम सर्च रिजल्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी टोटल जो सर्च रिजल्ट है वो 1.5 लाख के करीब है। ओके, मतलब इसको लोग सर्च भी कर रहे हैं और इस पे कोई ज्यादा रिजल्ट नहीं है। अब आपको करना यह है कि आप देख सकते हो कि इसपे कोई पोस्ट नहीं रैंक है, पोस्ट इस पे काफी रैंक है, बट आप चाहो तो इस पे लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप इस पे लिख दे हो या फिर मान लो कोई और भी ऐसे कंटेंट, ऐसे और भी कोई टॉपिक चूज करो जो और भी कम सर्च रिजल्ट वाले हैं, जो कि गूगल पे नहीं मिल रहे हैं, मतलब गूगल पे ना के बराबर हैं, तो गूगल को ये लगेगा कि जो आपने वेबसाइट बनाई है उसमें आप यूनिक पोस्ट डाल रहे हो, मतलब आप ऐसे कंटेंट पब्लिश कर रहे हो जो कंटेंट यूजर की नीड को फुलफिल कर सकता है। ये मैं अपनी कई वीडियो में बता चुका हूं कि आपकी वेबसाइट आज के समय में बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जो कि यूजर को वैल्यू दे, मतलब यूजर की नीड को फुलफिल करे। लाइक अगर आपकी वेबसाइट
किसी ऐसी कैटेगरी के ऊपर है, मान लो कुकिंग के ऊपर है, तो आप ऐसी ऐसी रेसिपी शेयर करो जो लोग सर्च जिनके जो मतलब बाकी लोग तो बता रहे हैं, बट साथ में आप वो भी रेसिपी शेयर करो जो बहुत लोगों को नहीं मालूम है। अब जैसे कि हर स्टेट की हर जगह की कुछ अलग रेसिपी होती है, जो कि लोग के पास मतलब कोई रेसिपी उनके पास जो लोग कुक करते हैं उनके पास रेसिपी नहीं होती, वो लोग गूगल पे ही रीड करने आते हैं। जैसे मान लो आपकी दादी दादी माँ कुछ बनाती होंगी या फिर कुछ और भी ऐसी रेसिपी होंगी जो लोग गूगल पे सर्च करते हैं बट उनके पास रिजल्ट नहीं है, तो आप लोग उस रेसिपी को शेयर करो क्योंकि वो यूनिक रेसिपी है जिसे लोग सर्च कर रहे हैं, और गूगल भी वैसी आर्टिकल्स को पसंद करता है जो कि बिल्कुल फ्रेश हो और जो कि मतलब यूनिक हो, जो कि यूजर की नीड को फुलफिल करे। ओके, तो बाकी और भी जितनी वेबसाइट पे काम होते हैं जैसे कि आप जान रहे हो वो सब तो नॉर्मल है, वो मैं आप मेरी वीडियो या प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है और काफी लोगों को इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद अपने साइट पे अप्रूवल भी मिला है, तो आप लोग देख सकते हो वहां पर भी मैंने डीपली सब कुछ बताया है। ओके, तो वहां से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी आप इतना समझ लो कि आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो वो कंटेंट यूनिक होना चाहिए, लाइक वो गूगल पे बहुत कम मात्र हो। जैसे कि आप किसी भी कैटेगरी में ले लो, आप किसी ऐसे कैटेगरी के बारे में ले लो जैसे मान लो इसका हो गया, या फिर मान लो आप ऐसी कोई जॉब रिलेटिव वेबसाइट बनाते हो, जॉब प्रोफाइल वेबसाइट जहां पर आप प्रोफाइल्स के बारे में बताते हो, ठीक है कि ये फलाना ये एमबीबीएस की सैलरी कितनी, एमबीबीएस प्रोफाइल के बारे में, सब एमबीबीएस डॉक्टर इंजीनियर इन सब के बारे में तो सबको मालूम है। आप कोई ऐसा कोर्स पकड़ो जो अभी रिसेंटली हो, ठीक है, जैसे और भी कई कोर्सेज होते हैं जो न्यू फ्रेश कोर्स होंगे जो कि बिल्कुल नाम मात्र होते हैं, मतलब बहुत कमी लोग करते हैं, ठीक है, जैसे डिस्टेंस लर्निंग। अब जैसे डिस्टेंस एजुकेशन आपको मालूम होगा कि आपके समय में ट्रेंड है, मतलब काफी लोग सर्च कर रहे हैं, और उस पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ज्यादा लोग उसको सर्च तो कर रहे हैं, बट सीन ये कि उस पर कंटेंट उस पर फुल इन्फॉर्मेशन वाला कोई आपको वीडियो मत या फिर वीडियो बता रहा हूं, आपको कोई ऐसा आर्टिकल नहीं मिलेगा जिसमें डिस्टेंस एजुकेशन या फिर डिस्टेंस लर्निंग के बारे में बताया जाए, या फिर मान लो ऐसी कोई और भी एजुकेशन या फिर कोर्सेज होते हैं जिनके बारे में लोगों को मालूम ही नहीं होता है, ठीक है, किसी मतलब जैसे कोई पेपर है या फिर एग्जाम है उसके बारे में लोगों को मालूम नहीं होता है, तो आप उन जैसे आर्टिकल को कवर करो। जैसे आप लिख दो कि नीट के बाद कैसे आफ्टर नीट, ठीक है, कैसे मतलब हम उसको चेक करते हैं जो हमारी रिजल्ट होता है उसके हिसाब से हम कॉलेज कैसे फाइंड करते हैं, किस तरह हम अपनी कैटेगरी या फिर वगैरह मतलब जो भी प्रोसेस होता है उसके बारे में पूरा बताओ, तो इस टाइप के फुल डिटेल वाले आर्टिकल लिखो जो कि गूगल पे नहीं है। ओके, ऐसे ही आर्टिकल लिखो जो कि नहीं है, जैसे केक मैं बता रहा हूं, तो केक के अलावा और भी ऐसी रेसिपी होंगी जो कि गूगल पे नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसे करो जैसे यहाँ पर केक के बारे में, तो चलो चॉकलेट केक है, अब आपको मालूम होगा कि केक तो लोग बहुत तरीके के खाते हैं, ठीक है, तो विदाउट एग केक या फिर स्ट्रॉबेरी केक तो ये तो चलो तो कॉमन है, ठीक है, केक विद अवन या फिर पिज्जा, हाउ टू मेक पिज्जा इन अवन, हाउ टू मेक पिज्जा इन तवा, तो इस टाइप के कंटेंट आर्टिकल डालो अपनी साइट पे जो कि बिल्कुल फ्रेश है, जो कि गूगल पे नाम मात्र है, और गूगल ऐसे कंटेंट को पसंद भी करता है जिनका प्रेजेंटेशन अच्छा हो और वो यूजर को वैल्यू देते हो। तो अगर आप भी अपनी आर्टिकल में वो वैल्यू दोगे जो कि यूजर की नीड को फुलफिल करेगा, तो आपको भी इस एरर से या फिर इस जो ये रिजेक्ट वाला मैसेज है इससे छुटकारा मिलेगा और आपकी भी साइट पे आपको अप्रूवल मिलेगा। ओके, बस इतना समझ लो कि बस कंटेंट वो पब्लिश करना है जो कि यूनिक हो। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।